हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं निशात गुरु आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे YouTube चैनल डिफेंस गाइड में। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हो, मैंने साइट ओपन की हुई है JNVST की, जवाहर नवोदय विद्यालय समिति की। ठीक है, तो ये वीडियो उन छात्रों के लिए जो अभी क्लास 8 में और चाहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं क्लास 9th में, क्योंकि 6th के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया और ये 9th के लिए वीडियो है। तो जो बच्चे अभी क्लास 8 में पढ़ रहे हैं वो क्लास 9th में जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसका पूरा प्रोसेस मैं यहाँ पर आपको समझाऊंगा। और फॉर्म कैसे अप्लाई करना, आप खुद अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई उसके रिगार्डिंग आपने कुछ पूछना है तो आप हमें नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर संपर्क कर। सबसे पहले आपने गूगल के ऊपर जाना, JNV एडमिशंस इसके ऊपर टाइप कर देंगे, और जैसे ही आप टाइप करेंगे तो आपके पास नवोदय विद्यालय समिति का ये साइट आ जाएगी, नवोदय .gov.in की साइट के ऊपर आपने क्लिक करना, तो कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए क्लास, ये क्लास 6 के लिए है और ये क्लास 9th के लिए। तो आपने क्लास 6 के लिए हमने अलग से वीडियो बनाया, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि सारे वीडियोस आप तक पहुंच सके। क्लिक हियर टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर क्लास 9th, ओके 2022 ऐसा लिखा मिलेगा। तो इसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये इस तरीके से पेज आ जाएगा। तो यहाँ नोटिफिकेशन हम देख सकते हैं और द लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, अभी पहले 15 नवंबर इसकी लास्ट डेट थी, लेकिन अभी लास्ट डेट 30 नवंबर कर दी गई। जिस बच्चे ने अभी तक अप्लाई नहीं किया वो अप्लाई करें, और अप्लाई करने के लिए क्लिक हेयर फॉर रजिस्ट्रेशन के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। यहाँ पर आप स्टेट भरें, जैसे हरियाणा है, हरियाणा के जो बच्चे जहां पढ़ रहे हैं आपने वो स्टेट अप्लाई करना है। डिस्ट्रिक्ट कौन से डिस्ट्रिक्ट, जैसे अभी मैं हिसार भरता हूँ, हिसार, ओके यहाँ सबमिट कर दे। अब आगे आपकी फर्दर डिटेल्स मांगी जाएगी, स्टेट हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया, देन आपका नाम, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, वो आप कीजिएगा और सबमिट यहाँ कर दीजिएगा। जैसे मैं अपना नाम कर देता हूँ और मोबाइल नंबर, आप कोई भी अपना मोबाइल नंबर लिख सकते हैं। मैंने एक रैंडमली नंबर लिख दिया है और यहां पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ अप्लाई करेंगे। तो ये अभी ये चल रहा है, इसका थोड़ा सा सर्वर इसका डाउन चल रहा है, इस वजह से ये हो नहीं रहा। तो आप जैसे इसके ऊपर जाके अप्लाई करेंगे तो वहां पर जाके आप अपना अप्लाई कर पाएंगे। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 30 नवंबर का इस लास्ट डेट कर दिया गया है। देन आपको यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आपका पासवर्ड जनरेट हो तो उसके बाद आप यहाँ पर टैग अपना ये रोल नंबर वगैरह यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय का जिस बच्चे ने अभी तक अप्लाई नहीं किया, फटाफट से अप्लाई करें। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं वहां के एंट्रेंस एग्जाम के लिए, जो एंट्रेंस के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उसके लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो चंडीगढ़ डिफेंस अकेडमी जाके अभी संपर्क अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं, या फिर आप नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको काफी सुविधाएं, काफी फैसिलिटीज मिलती है। यहाँ पर एक बहुत ही मिनिमम से चार्जेस के ऊपर जो पेरेंट्स जिनके बच्चे पढ़ने में बहुत होशियार है और वो अफोर्ड नहीं कर पाते, वो इतना नहीं कर पाते कि भाई हम बच्चों को किसी अच्छे स्कूल में या फिर अच्छे स्कूल की फीस भर पाए, तो
तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में जरूर अप्लाई करवाएं अपने बच्चों का। अगर वहां पर आपका सिलेक्शन होता है तो आपको काफी सुविधाएं, और वो भी नाम मात्र के, मतलब कुछ एक चार्जेस के ऊपर, आपको सारी बच्चे का खाने पीने से रहने सहने की सुविधा से लेकर और पढ़ाई तक की सारा खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाता है। तो इस अपॉर्चुनिटी को व्यर्थ ना जाने दें, एक बार अप्लाई जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।